रामलला के स्वागत को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होगा। इसी दिन विकास नगर के हरिपुर क्षेत्र की यमुना नदी पर कृष्ण धाम निर्माण और यमुना की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिला संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरिपुर में लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिपुर में यहां पहुंचकर यमुना कृष्ण धाम बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत यमुना नदी के घाटों पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसके बाद गंगा के उद्गम स्थल हरिद्वार, यमुना के उद्गम स्थल हरिपुर में श्रद्धालु यमुना की आरती और पूजन कर पाएंगे, अर्चना कर पाएंगे। इसके साथ ही एक ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने यमुना नदी से पत्थर की बड़ी शिलाओं को इकट्ठा कर उन पर जय जमुना मैया, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखा है, जिसके बाद इन शिलाओं से यमुना कृष्ण धाम का निर्माण किया जाएगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और इस दिन को सभी लोग अपने तरीके से उत्साह से मनाना चाह रहे हैं। लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति ने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को हरिपुर में यमुना घाट पर हम लोग यमुना कृष्ण धाम के निर्माण के लिए और यमुना जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिला संग्रह कार्यक्रम करेंगे और प्रत्येक शिला पे जय श्री राम, जय यमुना मैया, जय कृष्ण ऐसा करके लिखेंगे और ये कार्यक्रम व्यापक रूप से हम लोग करेंगे और शिलाओं का संग्रह करके हम इस कार्यक्रम को यादगार बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में जब भी 22 जनवरी का उल्लेख आए और रामचंद्र जी के मंदिर जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और पूरे देश में इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक पंचायत द्वारा हरिपुर हरिघाट में माँ यमुना जी के किनारे माँ यमुना जी के मूर्ति निर्माण हेतु शिला संग्रह किया जाएगा, जिससे कि माँ यमुना जी की महत्ता को प्रत्येक भक्त समझ सके